गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है अली। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 13 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने देखा कि महादेव जी खुद लेने आ गए थे भाई नंदी जी को, क्या ये एक सीन था। लेकिन ये कि करते हैं वीडियो स्टार्ट और आगे देखते हैं। तुमसे कोई दुख नहीं लेना चाहते। इसी बात का तो दुख है माँ। हाँ, यही तो दुख है। चंद्रमा के प्रति मेरा सबको दिखाई देता है, केवल चंद्रमा को नहीं। पर आप पिताजी से कुछ नहीं कहेंगी। ठीक। वचन दीजिए। लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि तुम कभी निराश नहीं होगी, कभी हारोगी नहीं। प्रेम में तो सभी हारे हैं माँ, जो जीत गया उसने प्रेम किया ही कहाँ। अब आएंगे लो जी, ये ग्रंथ और प्रेत का क्या हाल होगा। ये तो पाक क्या है थे बताने। मुझाम नहीं नहीं आएंगे आप। तुम यहाँ कैलाश पर मेरे साथ। हाँ अब जाओ विश्राम करो। नहीं नहीं प्रभु, इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का पुनः अवसर मिला है। विश्राम करके मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। हाँ प्रभु। अब तुम्हारा दायित्व केवल मेरी सेवा करना नहीं, तुम्हें जो दायित्व मैंने सौंपा है मेरे भक्तों की प्रार्थना सुनने का, तुम्हें उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा। बहुत बड़ा काम। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी। निष्पक्ष होकर लोगों के कष्ट सुनो, उनके भेद रखना, ये आसान नहीं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप इस वक्त तो नहीं लग रहा था नहीं। देव जी तपस्या में अपना पप्पू इनको पकड़ लेना अब नंदी जी। समझ बैठा था प्रभु, इस तरह एक दिन देवी सती क्या आ जाएगी और मुझे विश्वास ही नहीं होगा। बच के निकल रही थी अगर जाते अपना अकेले अकेले। पूरी तरह बसी है। आओ मत दीजिए। आओ आओ दीजिए। सती कह रही थी कि हमें द्वार पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आगे खड़े मैं तो इसे सारे भवन में ढूंढ आई। चले पधारी मत दीजिए। सती जब भी भवन से बाहर जाती है मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। तुम इसका ध्यान रखना। तो फिर उसे ले जाने की आवश्यकता है क्या? मैं अकेली ही रंगराज के यहाँ जाकर रंग बनवा कर लौट आऊंगी। किंतु आज मुझे चिंता नहीं है क्योंकि तुम इसके साथ हो और मैं जानती हूँ तुम इसकी रक्षा अवश्य करो। चलो। मदनी के भी बस घबरा रही हैं। ओहो
ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप तो इन सब बातों पर विश्वास भी नहीं करती। सती तू यही रुक, तू मत आ। सूर्यास्त होने से पहले हम तो वापस आ जाएंगे। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे कोई भयानक आंधी आने वाली हो। चलिए चलिए। मदनी के का नहीं मन साथ ले जाने का। प्रजापति ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? यदि प्रजापति को कुछ विशेष चर्चा करनी थी तो यहाँ तो नहीं बुलाते। यहाँ पे क्या होने वाला? तपस्या। यहाँ तपस्या होगी। और जो आपने महामंडल की बैठक बुलाई है उसका क्या होगा? झूठ बोला प्रजापति। महामंडल की बैठक होगी और अवश्य वो तो होगी। क्षमा करें किंतु बीते कुछ समय से आप जो निर्णय ले रहे हो वो मेरे समझ से परे है। कंफ्यूज हो गए। मुझ पर विश्वास कीजिए बस। मेरे निर्णय का परिणाम अच्छा ही आपको निराश नहीं करेगा। महामंडल की सफलता के लिए ये अति आवश्यक है। मेरे इस तप के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं कि किसी को पता चले। मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो आप दोनों संभाल लीजिए। और शुक्राचार्य का क्या करेंगे? वो तो आक्रमण की योजना बना चुके हैं। इस तरह से सारी समस्याएं हल हो गई। अब मुझे एक काम चाहिए। अच्छा, कुछ बड़ा कर। अब मैं महामंडल की बैठक पर ही इस तरह से बाहर निकलूंगा। जब तक कोई अति आवश्यक कार्य ना हो मेरे तप में बाधा न डाली जाए। अच्छा, कुछ तो करने जा रहे हैं प्रजापति जी। ये पढ़ते वो रावण की तरह अपंपा होता था उसके जैसा है। ये सबसे पहले सलाह देता। मुझे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहती थी ना, इसीलिए मैं जानबूझकर आपके साथ चली। मैं ये सिद्ध करना चाहती हूँ, प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूँ। हाँ गाइस, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो आ गई हैं सती जी साथ मादनी के कि अब देखते हैं आगे किस लिए वो इतना डर रही थी। जैसे उन्होंने बोला कि अब शुकन हो गया, सती जी बोलती हैं फिर चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, अब शुकन हो गया। तो सती जी साथ साथ हैं, लेकिन अगर ये है कि उससे पहले अगर देखा जाए तो अब नंदी जी आ गए हैं कैलाश पर। तो बोला है महादेव जी ने, आप अपना भाई अब जो आपको कार्य सौंपा है आप उसके लिए तैयार हो जाएं, और सारे जितने लोग हैं उनकी प्रार्थना सुने, उनकी बात सुने, हम तक पहुंचाएं, ये चीज़ें करें, बाकी अब देखते हैं आगे। तो नहीं, महादेव जी के जो भी भाई एक भक्त है ना, वो जो भी एक प्रार्थना करते हैं या जो भी इच्छा लेकर आते हैं वो अब नंदी जी को सौंपेंगे, क्योंकि नंदी जी पहले फ्री थे काफ़ी कैलाश पर, एक महादेव जी को भड़काते रहते थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका। नंदी जी आप मसरूफ़ हो जाएंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगेन, क्योंकि वो हर टाइम सती जी का नाम लेते रहते थे, इसी वजह से भाई महादेव जी पीछे भी क्रोधित हो गए थे काफ़ी। तो आप उनको सही काम कहा कि आप थोड़ा सा ना आप नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें, जिसमें जो है ना वो आप लोगों की सहायता करें, उनके जो है ना वो मसले मसाइल सुने, वो मैं खुद मुझ तक पहुँचाएँ, आगे जो है ना मैं उनको जो है ना वो खुद देखूंगा। लेकिन ये कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है नंदी के लिए, लेकिन उन्होंने भाई जी कोशिश तो नंदी ने यही की है कि मैं दोबारा वही सीट संभालूँ, या मतलब कोशिश, लेकिन फिर भी वो साथ साथ करते रहेंगे जो ऑलरेडी करते रहें।
लेकिन दूसरी तरफ भाई देखा जाए तो मादनी के जो है ना वो बिल्कुल नहीं चाहती थी और सती जी को पता चल गया था। लेकिन ये तो चीज ठीक है, लेकिन उधर प्रजापति कुछ नया करने जा रहा है। प्रजापति अब देखो भाई प्रजापति क्या माइंड में चल रहा है, एक प्रार्थना ही करेगा जो के बहुत मतलब के एक हैवी समय ले प्रार्थना। लेकिन ये कि अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करने जा रहे हैं प्रजापति। तो निकल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।